हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और एक बात पूछ लेना चाहते हैं हम कि जो प्यारे साथी है, प्यारे साथियों जो चैनल से जुड़े हैं, वो कैसे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए, आपके समय को ना लेते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कक्षा 10 के गणित की जो प्रश्नावली 2.3 है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपका लेक्चर है वो दो पार्ट में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में कुछ सवाल होंगे और सेकंड पार्ट में पूरी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होगी। ठीक, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग एक बार इस क्लास के सेशन को ज़बरदस्त शेयर कर देंगे और शेयर कर चुके होंगे। आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्रश्नावली 2.3 है, वो कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए उन सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो आपका पहला सवाल है प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल, पहले का पहला। यहाँ दिया है पी एक्स बराबर, क्या दिया है? पी एक्स बराबर एक्स क्यूब फिर माइनस 3x² प्लस 5x, फिर कितना है? माइनस तीन। ये पी एक्स का मान है। फिर उसके बाद जी एक्स का मान कितना है? जी एक्स बराबर है x² - 2। अब यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। इस जी एक्स वाला जो पद है, इससे भाग देकर आपको भागफल और शेषफल दोनों बताने हैं। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वो भागफल कहलाता है। और भाग देने के बाद जो राशि बच जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है? शेषफल कहलाती है। जैसे आप लोग क्या करते हो कि जब 2 से 5 में भाग देते हो, 2 से 5 में भाग देते हैं, तो 2 दूनी कितना ले जाते हैं? 4। तो 5 में से 4 को माइनस करते हैं 1। तो ये जो बचा, ये बचा जो राशि है, ये शेषफल कहलाता है, जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं। और ये चीज़ क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल। भाग देने के बाद जो परिणाम उधर आता है। ठीक, तो आइए इस सवाल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। तो चलिए, जी एक्स का मान कितना है? x² - कितना है? 2 है। पी एक्स कितना है? x³ - 3x² + 5x - 3। जैसे हम लोग वहाँ भाग करते थे, वैसे यहाँ भी भाग करना रहता है। केवल वहाँ पर क्या था कि आपका अलग थोड़ा अंक में आते थे, यहाँ हम लोग जो है बीजी व्यंजक में भाग देंगे। यहाँ पर क्या है, हर एक बार आपको एक पद कैंसिल करना रहता है। किसी भी कीमत पे आपका एक पद कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ ये बात उठती है कि कितनी बार लेके जाए। जैसे वहाँ 2 2 × 4 लेके चले गए, वहाँ तो आप आसानी से जान गए, क्योंकि वही चीज़ बचपन से सीखते आए हो ना, आज तो इसे सीख रहे हो। कोई बात नहीं, जिस चैनल पर आए हो वो जो चैनल है, वो आपको जो है हर एक चीज़ जो है ऐसे लैंग्वेज में समझा देगा जैसे आप बचपन में सीखे हो। अब देखिए क्या बात है, कि बात यहाँ ये आई कि सर जी, हम कैसे पता पाएंगे कि यहाँ कितनी बार लेके जाते हैं? यार, मैंने कई बार नहीं बताया, फिलहाल बताए हैं। देखिए, ये क्या है, इसका पहला पद कितना है? इसका पहला पद है x³। कितना है? x³। चलो पहला पद उठा लिए। अब इसका पहला पद देखो यार, पहला पद कितना है? x² है। देख लिए। देखिए, जब इससे इसे भाग देंगे तो ये 2 काट देगा। कितना बचा यहाँ? 1x। तो आप कितनी बार लेके जाने वाले हैं? 1x बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे? 1x बार। तो चलिए 1x बार लेके चलते हैं। ये बातें तो क्लियर हो गई ना। अब x बार लेके जाएंगे तो x का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। पावर 2 और पावर 1 मिलकर क्या हो जाएंगे? x³। और जब इस x का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे तो x का मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा। तो आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है। हम लोग इसके नीचे लिखेंगे -2x। ये बातें क्लियर हुई। अब क्या करते थे? माइनस करते थे। तो आप माइनस करते समय यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। ये बातें क्लियर हुई आपकी। अब देखिए, ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले पद आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये वाला पद आप ऐसे उतार लेंगे, ये वाला पद कितना है? -3x² आगे 5 और 2 जोड़ देंगे, 5 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7x। और आगे कितना है? -3। ये वाला पद उतार लिए। अब जब भी कभी आपको आगे माइनस दिखाई पड़ जाए तो
आप यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस, क्या लगा लेंगे, माइनस। आइए अब इसका पहला पद उठाइए, इसका पहला पद क्या है, तीन एक्स स्क्वायर, और इसका पहला पद कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार लेके जाएंगे आप, तीन बार लेके जाएंगे, तो कितना बचा, तीन बार, तो आप तीन बार लेके जाइए, चलिए तीन बार लेके जाते हैं। तो तीन का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस है, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किए प्लस, और तीन का मल्टीप्लाई दो से कर दिए छः, तो ये वाला मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर आएगा प्लस छः। बात ये कर समझ में आई, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है तो हम लोग एक्स यहाँ नहीं नोट करेंगे। अब ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपके चिन्हान बदल जाते हैं, ये जो है आपके क्या, सेवन एक्स आप ऐसे उतार लेंगे, ये सेवन एक्स आ गया, और छः और तीन, छः और तीन, माइनस छः और माइनस तीन जोड़ देंगे तो माइनस नौ आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो है आपका क्या आ गया, शेष फल आ गया, इस प्रकार ये आपका क्या आ गया, शेष फल, और ये आ गया आपका भागफल। तो आपसे पूछा था भागफल, तो भागफल कितना आया, भागफल आया एक्स माइनस तीन, और शेष फल कितना आ गया, शेष फल आ गया आपका सात एक्स माइनस नौ। ये बातें आपकी क्लियर हुई, इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। अगर मान लीजिए कि आपको उत्तर की जांच चेक करना हुआ कि क्या हमने जो सवाल लगाया है वो सत्य है या नहीं है, तो आइए हम लोग बगल उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच। देखो अब मान लो फार्मूला भूल गए उत्तर की जांच करने में, तो बताओ अभी आपने एक भाग दिया था दो से पाँच में, दो दूनी चार, पाँच में से चार घटा दिए एक, अब यही पाँच है ना, तो इस पाँच को यहाँ लिखो ना, पाँच को लिखे, अब ये दो गुणे क्या कर दिए, दो, दो दूनी चार, और जो ये एक बचा एक, तो ये फार्मूला तो बन गया ना। अब बताओ इसे क्या कर रहे हैं, इसे भाज्य कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक। और ये दो क्या है, दो काट रहा है तो ये भाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक, और ये जो दो है क्या हो जाएगा, भागफल, और जो एक है वो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। तो जो उत्तर जांच करने के तरीके हैं उसके फार्मूले ये है, उत्तर की जांच के लिए ये फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। तो उत्तर की जांच करने का ये आपका फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला आपको याद आ गए, इधर का पक्ष अगर इधर पक्ष के बराबर हो गया तो हम कहेंगे हमारा उत्तर सत्य है। तो भाज्य, भाज्य कौन है, ये है भाज्य, कौन है, जिसको आप विभाजित किए, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर, फिर कितना है, प्लस पाँच एक्स और माइनस तीन बराबर भाजक। भाजक मतलब जो आप, जिससे आप भाग दे रहे हो, भाजक कौन होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस दो, और भागफल कौन है, ये गुणे एक्स माइनस तीन, और शेषफल कौन है, शेषफल आपका आया है सात एक्स माइनस नौ। आइए इसको हम हल करते हैं, क्या हम लोगों का ये पक्ष दोनों बराबर होने वाला है, देखिए ये एक्स स्क्वायर, देखिए अब आप इसको, इसको ऐसे कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो यहाँ पावर दो और पावर एक मिलके क्या हो गया, एक्स के पावर तीन, पर जब आप इसका मल्टीप्लाई इसी ये इससे कर दोगे तो ये माइनस तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर, फिर आप जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस दो एक्स आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस दो तिहाई छः, आगे कितना है, सात एक्स, और माइनस कितना है, नौ। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई आपकी। अब देखिए ये आ गया एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस दो एक्स प्लस सात एक्स, तो सात में से दो घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, सात में से दो घट जाएगा पाँच एक्स, और माइनस नौ में से छः घट गए माइनस तीन। तो आप देख सकते होंगे कि इधर वाला पद लिखा जाए तो तीन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन, ये दोनों पद आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दोनों पद बराबर हो गए तब तो आपको, आपके मन में लड्डू फूट जाना चाहिए कि आपके जो आंसर हैं, जो आपने सवाल लगाया वो सवाल सही हो गया। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है तो आप ज़रूर इसको लगाएंगे और लगा के उत्तर की जाँच स्वयं कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपसे इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसका दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू कितना है, पी एक्स इक्वल टू है एक्स घाते चार, फिर कितना है, माइनस तीन एक्स स्क्वायर है, फिर कितना है, प्लस फोर एक्स है,
और प्लस कितना है 5 है। फिर उसके बाद क्या है जी एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये है ठीक। अब आपको जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है, वही पुराना प्रोसेस करेंगे जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले सवाल में किया था। अब जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस एक्स, से किस में भाग देना है पी एक्स में भाग देना है। पी एक्स कितना है एक्स घाते 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस कितना है 5। अब फिर से वही समस्या आ गई कि कितनी बार लेके जाया जाए। तो गाइज कितनी बार ले जाने वाली समस्या हम लोग समाधान कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, इसका पहला पद उठाओ ना, इसका पहला पद कितना है एक्स घाते 4 है और इसका पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर। अब आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा एक्स घाते 2, कितनी बार लेके जाएंगे एक्स घाते 2 बार, कितनी बार लेके जाएंगे एक्स घाते 2 बार। अब बताओ एक्स घाते 2 बार लेके जाएंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 और 2 पावर मिल के हो गया एक्स घाते 4, ये बातें क्लियर हुई। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ठीक। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब हम यहाँ कर देंगे तो यहाँ पावर 1 है, पावर वहाँ 2 मिल के कितने हो जाएंगे माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे, ये बातें आप समझिएगा जरा सा, माइनस एक्स क्यूब। अब क्या करते थे हम लोग, घटाते थे तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, ये बातें आपको समझ में आई। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाए क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस। अब यहाँ माइनस 3 है, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 3 और माइनस 1 जोड़ देंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस 4 एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका क्या है एक्स क्यूब है, फिर कितना है प्लस 4x प्लस क्या है 5। तो आप एक मिनट के लिए जरा सा गौर फरमाइएगा, इसको हम लोग पहले लिख रहे हैं इसको बाद में लिख रहे हैं, ये वाला पद हम लोग पहले लिख रहे हैं तो ये वाला पहला पद कितना है x क्यूब है, फिर ये वाला जो हम लोगों ने हल किए थे ये आए थे माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक, ये यहाँ पर लिख दिए। अब आगे क्या है, आगे यहाँ कितना है एक्स क्यूब है तो इसका पहला टर्म एक्स क्यूब है और इसका पहला टर्म कितना है एक्स स्क्वायर, तो दो ठोट कट जाएंगे तो कितनी बार लेके जाएंगे एक एक्स बार जाएगा ना, कितना आया एक एक्स बार, तो एक एक्स बार लेके जाइए। एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा और इस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक एक्स आएगा, कितना आएगा एक एक्स आएगा, फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो ये पद कैंसिल, माइनस 4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस 4 में जब 1 ये जोड़ोगे तो ये घट जाएगा तो कितना आएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये 4 में से 1 घटा दिए कितना आ गया 3 एक्स आ गया, आगे कितना है 5 है। अब बताइए इसका आगे कितना आ गया माइनस, तो आप माइनस बार लेके जाएंगे। फिर आगे देखिए कितनी बार, तो इसका पहला पद है 3 एक्स स्क्वायर और इसका पहला पद है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो बचा कौन 3, तो कितनी बार लेके जाएंगे 3 बार लेके जाएंगे। चलिए अब 3 बार लेके जाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, फिर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, तो यहाँ हम लोग उतार लेंगे माइनस 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 3 एक्स हो गए ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। ये माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस, ये माइनस का उल्टा प्लस ठीक, ये पद कैंसिल हो गए आपके, ये दोनों पद भी कैंसिल हो गए तो 5 और 3 जोड़ दिए क्या आ गए 8, ये 8 आपके क्या आ गए शेषफल आ गए। तो आपसे भागफल पूछा था, क्या पूछा है भागफल, तो भागफल कितना आया ठीक, भागफल कितना आया एक्स स्क्वायर आया है प्लस एक्स आया है माइनस 3 आया है और शेषफल कितना है, शेषफल आपका है 8 केवल। आप इसका भी उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो खुद तो कर सकते हैं, चलिए हम आपको लिए एक बार और उत्तर की जांच करके दिखाते हैं, उत्तर की जांच, क्या पता सवाल सही है नहीं आप लोगों का लगा के चले आए बोर्ड में, अरे यहाँ आए मम्मी पापा से बोल दिए मैंने सारे सवाल हल करके दिखाया है, हल करके आए, तो इससे अच्छा हल करके आओ, कितना सही करके आए वो डिपेंड करता है ना। तो आइए अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, बार बार आप लोग फार्मूला इसको रिपीट कीजिएगा, भाजक बराबर भागफल, भागफल गुणे भाजक, सॉरी आप लोग जरा सा इसको फिर से लिखते हैं, हम लोग क्या हुआ था ये था भाज्य बराबर, क्या था भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल
और प्लस क्या पढ़े थे, शेषफल, ठीक। ये चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, भाज्य। तो भाज्य तो ये है ना जिसमें हम लोग भाग देते हैं, तो कितना है एक्स घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर, फिर कितना है प्लस 4x है और प्लस 5 बराबर भाजक। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक। फिर उसके बाद भागफल, भागफल वो होता है जो आपको भाग देने के बाद मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल कितना है 8 है, ठीक। शेषफल कितना है 8 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आइए उस पक्ष को हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे एक्स खाते 4 आ जाएगा, फिर इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो मिलके क्या हो गए एक्स घाते 3, फिर इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एक्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस 3 आएगा। अब देखिए फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स क्यूब आएगा, फिर इसका करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक। और इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x और वो आपका रिमाइंडर बच गया 8, ठीक। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, एक्स घाते कितना है 4 है, प्लस एक्स क्यूब, क्या देखिए ये जो प्लस एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स क्यूब दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3। अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचा माइनस 3x स्क्वायर बचा, कितना बचा है माइनस 3x स्क्वायर। फिर आप देख सकते होंगे कि ये 3x है 1x है, 3x और 1x मिलके कितने हो गए 4x हो गए और वो आपका क्या बचा प्लस 8। तो यही तो आप देख पा रहे होंगे कि यही चीज़ तो ये है, तो पता है आपके उत्तर की क्या हो गई जांच हो गई। उत्तर की जांच कैसे हुआ, क्योंकि दोनों पद जो हैं आपके क्या हो गए बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो आपने जो सवाल हल किया वो उत्तर आपका क्या है सही है, x घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 8 और ये भी 8 है, ठीक। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर की जांच है वो मैच कर जाता है और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। चलिए कैंसिल वेंसिल करने के बाद क्या बचा, एक्स घाते 4 बचा, फिर माइनस 3x स्क्वायर बचा, फिर उसके बाद एक्स और 3x मिलके कितना हुआ 4x, फिर उसके बाद और 8 और 3, तो 8 में से 3 घटा दिए कितना आ गया 5, ठीक। ये पद हो गए। अब आपका अगला इधर वाला पद क्या है, एक्स घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना है 4x और प्लस 5, और ये वाला पक्ष एक्स घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 5। तो देखिए दोनों पक्ष आपके क्या हो गए बराबर हो गए, और जब दोनों पक्ष आपके क्या हो गए बराबर हो गए, तो उत्तर की जो जांच कर रहे थे इससे ये पता चला कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से क्या है सही है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए इसका जो तीसरा नंबर पोर्शन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स घाते 4, क्या है पी एक्स इक्वल टू एक्स घाते 4 माइनस 5x प्लस कितना है 6 है, कितना है 6 है, फिर उसके बाद जी एक्स इक्वल टू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, इसको आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, क्या कर देंगे व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम जी एक्स को अच्छे से करेंगे, तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पहला पद इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब आप लोग इससे भाग देंगे तो आइए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से किस में भाग देते हैं पी एक्स में, एक्स घाते 4 माइनस 5x और प्लस कितना है 6 है। अब आप क्या करेंगे, इसका देखिए पहला पद क्या है माइनस, तो मैंने एक बात बताया था चाहे आपका पहला पद ये माइनस हो चाहे ये माइनस हो, बिना कहे सुने हम लोग क्या ले लेंगे माइनस लगा लेंगे, ठीक। अब इसका पहला पद कितना है भी एक्स घाते 4 है ना, और इसका पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये दो ठो काट देंगे तो कितना बचा है एक्स घाते 2, कितनी बार लेके जाएंगे एक्स घाते 2 बार, इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक्स घाते 2 बार तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे
और x घाते 2 और 2 मिलके x घाते 4 हो गए। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई अब जब आप यहाँ करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस 2x स्क्वायर हो गए, ये माइनस ये आपके क्या हो गए प्लस हो गए, ये चीज़ कैंसिल हो गया, आप इसे उतार लेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 5x हो गए और प्लस कितनी हो गए 6 हो गए। ठीक, अब आप इसका पहला पद उठाइए, इसका पहला पद 2x स्क्वायर है, इसका पहला पद कितना है x स्क्वायर, तो आप इसे इसे कैंसिल कर देंगे, कितनी बार लेके जाएंगे दो बार, पर मैंने क्या बोला था कि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ भी माइनस लेंगे दो बार ले जाएंगे, तो दो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ गया, फिर दो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो दो दूनी 4, वो भी माइनस 4 आ गया आपके। ठीक, ये माइनस ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये आपका उतर जाएगा माइनस 5x और 6 और 4 जोड़ दिए कितना हो गया 10। तो इस प्रकार आपका भाग खत्म हो जाता है। तो भागफल, आपको भागफल निकालने के लिए बोला है, तो भागफल कितना आया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो शेषफल है वो शेषफल आपका क्या आया है, शेषफल आया है माइनस 5x और प्लस 10। गाइज आप लोग इसके उत्तर की जांच स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने इसको जो उत्तर की जांच है मैंने किया था। ठीक गाइज, उम्मीद करते होंगे कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।